सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सोलन में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर सभी अधिकारियों से बैठक की व अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे व उन्होंने भी सभी अधिकारियों को दौरे को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 14 अप्रैल को सोलन में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने शनिवार को सोलन में सभी अधिकारियों से बैठक की व अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। सिटी चैनल से बात करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने बताया कि अधिकारियों के सहयोग से ही दौरे को सफल बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान करीब 30 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। तैयारियों की दृष्टि से व्यवस्थाएं ठीक रहे हैं, उस प्रयास के नाते जो है वो सब अधिकारियों के साथ एक बार बैठ करके, क्योंकि कुछ एक शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी ठीक से है क्या? और भी जो अन्य व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के साथ रहती हैं वो ठीक हैं क्या? उसको लेकर के हमारी तैयारी क्या है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी और जो राजनीतिक जगत में जो लोग हैं ये टीम है, तो सबका सहयोग रहता है तो कार्यक्रम अच्छे होते हैं। विकासात्मक कार्य हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25 से 30 करोड़ रुपए की सौगात जो है विभिन्न विकास के कार्यों को लेकर के हमारे नगर के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।